अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। पाइसेस, जुपिटर 12 अगस्त से ही आपके यहाँ अच्छी फॉर्म में है, 10th हाउस में है, वो पॉजिटिव अपने रिजल्ट्स दे रहा है आपको, करियर सेक्टर में सोर्स ऑफ इनकम में डेवलपमेंट्स आ रही हैं और ये डेवलपमेंट्स फीडबैक के तौर पर भी हमारे पास बहुत अच्छी आ रही हैं। तमाम ही पाइसेस इस वक्त काफ़ी खुश हैं, अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट उनकी तरफ आ रही हैं, किसी को इंक्रीमेंट मिला, किसी को इज़्ज़त अफजाई मिली, किसी को इख्तियारात में इजाफ़ा मिला, किसी ने एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाने को तरजीह दी, ये सब इस वक्त सिचुएशन चल रही है पाइसिस के साथ। इस सिचुएशन में प्लस क्या हुआ, 18 अगस्त को मार्स अपनी पोजीशन बदल के आपके यहाँ 7th हाउस में आ जाएगा, तो शराकत दारी वाले पाइसिस जो बिजनेस पार्टनरशिप में हैं वो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएँगे और इस बिज़नेस पार्टनरशिप में नए सोर्स ऑफ इनकम पैदा होने के चांस डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। या अगर आपके वसाइल कम थे और आपका प्लान पूरा नहीं हो रहा था, कोई एक वजह थी आपके वसाइल के कम होने की वजह से प्लान कामयाबी की तरफ नहीं जाता था, तो अब आपको कहीं से वसाइल मुयस्सर आ जाएंगे। और अगर आप फैमिली के साथ बैरून मुल्क सैर व तफरी के लिए या मुकम्मल तौर पर हिजरत करके बैरून मुल्क जाना चाहें तो भी आपके लिए मार्स की ये पोजीशन आप सपोर्ट करेगी। ये सिर्फ एक इवेंट बताया अभी मैंने, दूसरा इवेंट 22 अगस्त को होगा, वीनस भी आपके 7th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड वीनस 7th हाउस में दाखिल होने से एक ख़ास तरह का एडवांटेज मिलेगा। एक तो जिन पाइसिस के रिश्तों में प्रॉब्लम थी, डिले का शिकार थे, बात करीब आकर बनती नहीं थी या बात बनाने की बहुत कोशिश की जाती थी और पाया तकमील तक नहीं पहुंचती थी रिश्तेदारी लाइफ पार्टनरशिप के लिए, तो वीनस के 7th हाउस में आने से ये बात हो तय पा जाएगी। दूसरा एडवांटेज किसकी नौयत का है कि जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके दरमियान मोहब्बत के जज्बात का इजाफा होगा, बीवी शौहर के लिए लकी होगी एंड शौहर बीवी के लिए लकी होगा और दोनों की ज़हनी हम आंगी अपनी औलाद या जो अपने डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए मुफीद होगी। तीसरा वीनस का फ़ायदा ये होगा कि जब वीनस 7th हाउस में होता है तो इस सीज़न में जो भी शादी या निकाह या मुकम्मल रुखसती होगी उसमें वीनस अल्लाह ताला की तरफ से जो एक अल्लाह की मखलूक है और उसके ज़िम्मे जो खैर और बरकत देना लिखा हुआ है वो आपको मुयस्सर आएगा और इससे सोल एक्सचेंजेस होंगे, ये रिश्ते जर्नल नहीं होंगे। वीनस के दौर में शादी होना एक ख़ास ब्लेसिंग क्रिएट करता है जिसके सक्सेस का रेशो आम दिनों की शादियों से कई गुना ज़्यादा होता है। सो ये दूसरा इवेंट था सोलर सिस्टम में जो आपको रिलेशनशिप के एडवांटेज या बिजनेस पार्टनरशिप के एडवांटेजेस देगा। तीसरा फ़ायदा इन दोनों से बड़ा है, इन दोनों से बड़ा फ़ायदा 24 अगस्त को सूरज आपके यहाँ 7th हाउस में दाखिल होगा। एज यू नो, सूरज किसी एक हाउस में एक साल में एक ही दफ़ा आता है, सो इस साल 7th हाउस में वो 24 अगस्त को दाखिल होगा और इसमें दो तरह के फ़ायदे होंगे, यही मियां बीवी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि 7th हाउस है ही इसी चीज़ का एक रिप्रेजेंटेटिव। अब मियां बीवी में कोई एक पाइसिस भी होगा तो वो उसकी मोटिवेशन एबिलिटी बहुत ताकतवर हो जाएगी, लोगों को अपनी ज़ात से वो बहुत आसानी से मुत्तफिक कर लेंगे, मर्द हो या खातून दोनों ही अच्छे अंदाज से मुत्तफिक कर लेंगे और डोमिनेट करेंगे, मरकज़ निगाह बने रहेंगे, प्लान बहुत अच्छा देंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, तवज्जो दी जाएगी, उनकी बात को अब रद्द करना इतना आसान नहीं होगा, चाहे मर्द हो चाहे खातून, पेयर में से कोई एक भी पाइसिस हुआ तो वो सूरज की वजह से डोमिनेट करेगा। एंड दूसरा फ़ायदा क्या होगा, सूरज जब भी 7th हाउस में आता है तो जो भी पाइसिस हो मियां बीवी में से उसके मशवरे पर काम भी किया जाए तो मुफीद होगा, कुछ उसमें लक फैक्टर्स भी आएंगे और ज़हनी काबिलियत की वजह से वो प्लान टू द पॉइंट भी होगा, टारगेटफुल होगा, मुनाफा बख्श होगा। एंड सूरज के 7th हाउस में आने से इसी तरह के फवायद बिजनेस पार्टनरशिप में भी मिलेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में जो भी पाइसेस होगा वो डोमिनेट करेगा, उसके फ़ायदे उसके प्लान्स फ़ायदों में कन्वर्ट होंगे और उसकी प्लानिंग से लोग मुत्तफिक भी होते जाएंगे और वो अपने जीनियस एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके प्लानिंग भी बहुत टारगेट फुल और मुनाफा बख्श करेंगे और फैसला करने की सलाहियत में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये तीन सितारे तो आपको मुफीद होंगे ही होंगे।
और ये इसी हफ्ते स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जो पिछले हफ्ते से जुपिटर आपके 10th हाउस में चल रहा है वो कैरियर रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस देगा। मरकरी अभी भी आपके 6th हाउस में ही रहेगा। ये तीन सितारे जो ऑलरेडी 6th हाउस में थे ये अगले हाउस में चले जाएंगे। मरकरी के छठे घर में रहने से ज़हनी कारकर्दगी करने वाले तमाम पाइसिस को फ़ायदा होगा, उसमें स्टूडेंट ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे या अदरवाइज़ भी ज़हनी कारकर्दगी वाले। अगर कोई पाइसिस डिप्रेशन का शिकार था, अगर कोई पाइसिस जॉइंट पेन का शिकार था, तो मरकरी के छठे घर में होने से वो भी ख़त्म होएगी रफ्ता रफ्ता इंशाल्लाह। या जो मेडिकेशन वो ले रहे थे मरकरी की सपोर्ट उस मेडिकेशन को फास्ट या अफेक्टिव कर देगी। मरकरी के छठे घर में होने की वजह से आपका तर्ज गुफ्तगु भी बहुत काउंट होगा और लोग आपकी बात से बहुत महजूज होंगे। मरकरी के छठे घर में होने की वजह से आप अपनी पीआर में इजाफा कर पाएंगे, लोग आपसे महजूज हो रहे होंगे और आपका हल्का अहबाब या आपके डिपेंडेंट्स या जिन लोगों को आप एड्रेस करते हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। आपके इवेंट्स और आपका जो विज़न है वो भी बड़ा होगा। इवेंट्स अगर आप पहले 2-4 लोगों को मैनेज कर सकते थे, अब आप 2-400 लोगों को मैनेज कर सकेंगे। अगर पहले आप सिर्फ 2 कंपनियां या 1 कंपनी मैनेज करते थे, अब आप ज़्यादा कंपनियां मैनेज कर सकेंगे। अगर आप पहले 8 घंटे काम करके थकते थे, तो मरकरी के 6th हाउस में आने की वजह से आप 10 घंटे काम कर सकेंगे या उससे भी कुछ ज़्यादा। सो ये प्लैनेटरी पोजीशन चाहे कोई भी हो, मार्स की हो, मरकरी की हो, वीनस की हो, सन की हो और जुपिटर की हो, आपके लिए मुफीद है और मसरूफियत की वजह है, और उस मसरूफियत से एडवांटेजेस हर ही शोभा जाते ज़िंदगी को मुयस्सर हैं। मियां बीवी को भी, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग वालों को भी, नई शादी करने वालों को भी, लव सेक्टर के एडवांटेजेस, पार्टनरशिप कारोबार करने वालों को भी, और जॉब पर रहने वालों को 10वें घर के जुपिटर से एडवांटेजेस मिल रहे हैं और उसी की वजह से माली मुआहदात होंगे। और मरकरी के छठे घर में होने से स्टूडेंट और ज़हनी कारकर्दगी करने वालों को भी फ़ायदा है। तो इसमें तकरीबन हर ही शोबे के लोगों को फ़ायदा हुआ। सो पाइसेस आर ऑन टॉप एट द मोमेंट, चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से, लेकिन इसमें लक फैक्टर कम और एफर्ट्स या जो कोशिशें हैं उनका रुझान ज़्यादा है। इन चीज़ों में अगर आप खुद ही बहुत फर्मली परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको करना चाहिए बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के। बट अगर कोई पाइसिस फील करता है कि वो इस पावरफुल सिचुएशन से अच्छे अंदाज से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो फिर एक्वामेरिन ज़रूर पहने, सूर्य शम्स दिन में 1 दफ़ा या 3 दफ़ा या 5 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, और या मुसब्बिबुल असबाब जो इस हफ़्ते का ख़ास वजीफ़ा है मार्स, वीनस और सन की सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने के लिए, वो 113 दफ़ा पढ़ा जाए। लेकिन इसके बावजूद ये ओवरऑल रेमेडी है जो सभी को करना चाहिए, सभी पाइसिस को करना चाहिए। बट अगर कोई पाइसिस अपनी मुशक्क़त में बहुत आगे निकल चुका है और उसके बावजूद वो अभी सेटिस्फैक्शन लेवल पर सक्सेसेस हासिल नहीं कर सका, तो उसे एक दफ़ा अपना पर्सनल चार्ट बनवा लेना चाहिए, उससे उसकी अबिलिटीज़ और उसकी सलाहियतों को काउंट किया जा सकेगा। और टाइम साइंसेस के अतबार से उसके लिए कोई अच्छी रेमेडी या कोई अफेक्टिव या उसकी इंडिविजुअल रेमेडी भी प्रिस्क्राइब की जा सकेगी। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर आप उन पर कॉल करेंगे तो वहाँ आपको प्रोफेशनल टीम आपकी सपोर्ट के लिए हर वक्त मुयस्सर मिलेगी। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी आखिरी दरख्वास्त, जब भी आप इस इन्फॉर्मेशन से ज़रा सा भी फ़ायदा उठाएं, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये मेरी दुनिया और आखरत दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने दिया।